हे फ्रेंड्स, मैं आरती शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ एक वेट लॉस रेसिपी जो कि स्टीम्ड सैलेड की रेसिपी है। इसे आप अपनी वेट लॉस डाइट में एज अ लंच और डिनर में प्रॉपर मील की तरह ले सकते हैं। इसमें कितनी कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए और जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ सभी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये बर्तन में पानी को रखा है बॉईल होने के लिए और उसके ऊपर मैं कुछ इस तरह की एक प्लेट रख रही हूँ जिसमें थोड़े से आप देख सकते हैं ऐसे जालियाँ हैं। तो पानी में थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ सब्जियाँ रखूँगी स्टीम्ड होने के लिए। सब्जियाँ ऑप्शनल, मतलब जो भी मेरे पास है, ज़रूरी नहीं आप वही ऐड करें, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें स्टीम्ड कर सकते हैं। ये सैलेड काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है, टेस्टी है और ईजी टू प्रिपेयर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये सिर्फ तीन चीज़ें स्टीम करने के लिए, गाजर, फ्रेंच बीन्स और मूंग स्प्राउट्स। आप अपने पसंद के स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, मिक्स्ड या फिर चना भी ऐड कर सकते हैं, चना स्प्राउट्स। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 50 ग्राम ईच है, मतलब सभी चीज़ें 50 ग्राम मैंने यहाँ पर ली हैं। अब मैं इसको यहाँ पर इस थाली में इस तरीके से डाल देती हूँ। इस सैलेड के लिए आपको बहुत ही बारीक बारीक सब्जियों को कट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा साइजेस में कट कीजिएगा। अच्छे से हम इसको पूरी थाली में फैला देंगे ताकि ये ईजिली स्टीम्ड हो जाए जल्दी से। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जैसे कि मैं यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से रेसिपीज़ अपलोड नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरी हेल्थ थोड़ी सही नहीं है, तो आप शॉर्ट रेसिपीज़ के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज लर्न लाइवली पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं शॉर्ट रेसिपीज़ डेली वो भी हेल्दी वेट लॉस रिलेटेड शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ये स्वीट कॉर्नस हैं फ्रोजन वाले, इसको मैंने अच्छे से पानी में नॉर्मल कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मटर भी ले सकते हैं, इसको भी मैं इसमें इस तरीके से फैला देती हूँ। कलरफुल थोड़ा अच्छा लगेगा सैलेड देखने में, बच्चों को अगर आप खिलाना चाहेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होके खाएंगे। तो बस अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से भाप निकलने लगा है, इसको हमें कवर कर देना है और करीब 10 से 15 मिनट के लिए हमको इसको स्टीम करना है लो टू मीडियम हीट पर। तो यहाँ करीब 10-12 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम करते हुए, आइए हम इसको चेक करते हैं। लीड को हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सब कुछ हमें स्टीम्ड हुआ हुआ दिख रहा है। एक कैरेट को हम कट कर लेते हैं, ये देखिए इजीली कट हो जा रहे हैं, हम इसको आराम से खा सकते हैं। अब बस हमें क्या करना है, ये देखिए बीन्स तो बहुत ही अच्छे से स्टीम्ड हो चुकी है और कितना ये अच्छा लग रहा है देखने में, कलरफुल। ये देखिए गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इस प्लेट को हम अलग उतार के रख देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो गाइस, एक तरफ जब तक सब्जियां ठंडी हो रही हैं, यहाँ पे हम उसकी एक ड्रेसिंग तैयार करते हैं जो कि बहुत ही मस्त इंडियन ड्रेसिंग है जिसको आप अपने किसी भी सैलेड में इंक्लूड कर सकते हैं। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कई सारे मिनरल्स विटामिन्स मौजूद हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये थोड़ा सा क्रस्ट गार्लिक, करीब आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँ ये सोक्ड चिया सीड्स हैं, ये देखिए, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच बस। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं सोक्ड आलमंड जिनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है, 3 से 4 लेने हैं हमें। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ी सी ये हरी धनिया, यहाँ पे मैं ये एक नींबू ले रही हूँ, हमें पूरा एक नींबू ऐड करना है। और या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर हो तो वो ऐड कर सकते हैं, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वेट लॉस में। तो यहाँ पे आधा नींबू का रस मैंने निचोड़ लिया है, आधा और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इससे हमारा सैलेड काफ़ी चटपटा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, टैंगी, एंड ऑफ कोर्स विटामिन सी होता है इसमें और वेट लॉस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले, तो मैं ऐड करूँ इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, करीब आधा छोटा चम्मच ऐड करना है। ये सैलेड में आप ना 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं, काफ़ी फिलिंग सैलेड है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, यमी है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑरिगैनो, इट्स ऑप्शनल,
मेरे को अच्छा लगता है सैलेड्स में। और अब हम इसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल के भी अपने अलग फ़ायदे हैं ये, और सैलेड को थोड़ा ग्लॉसी बना देता है। एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो सफ़ेद वाली तिल होती है ना, उनको हल्का सा भूनकर आपको ऐड करना है। इससे हेल्दी फैट्स मिलते हैं और सैलेड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो करीब आधा छोटा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिंक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं। ये एज़ पर टेस्ट आप ऐड करें, और ये नमक आपको हमेशा खाना चाहिए। आप अपनी सभी रेसिपीज़ में इसी को ऐड करें। सफ़ेद नमक खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाइट पर हैं। नहीं है सभी को मैं सजेस्ट करूँगी कि ये नमक अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी यमी हेल्दी हमारी ये ड्रेसिंग बनकर तैयार है। इससे सैलेड में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, साथ ही साथ ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है। ये देखिए, बस अच्छे से मिक्स करना है एंड इट्स डन। अब हमें लेना है एक यहाँ पे बड़ा बाउल जिसमें हम सैलेड को अच्छे से मिक्स कर सकें, और यहाँ पे ये जो हमारी सब्जियाँ हैं बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी यमी हैं। यहाँ पे मैंने मूंग स्प्राउट्स ऐड किए हैं, आप चने के और या फिर मिक्स वाले ना, दोनों को मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियाँ ऐड हो गई हैं। अब हमें इसमें ऐड करनी है थोड़ी कच्ची सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पे ये खीरा ले रही हूँ जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। मैंने प्याज ली है थोड़ी सी, इसको भी मैंने बहुत ही बारीक कट किया है। टमाटर छोटा छोटा ही कट कर लें। थोड़ी सी हरी धनिया, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे करीब एक कप 30 ग्राम मैंने यहाँ पे ये लेटस ली है। ये अगर आपको मिल जाती है तो आप ऐड कर दीजिए, ये मुझे काफ़ी पसंद है सैलड सैंडविचेस में। और अगर नहीं मिलती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही यमी ये सब्जियाँ तैयार हैं सैलेड के लिए। अब हमें बस इसमें ऐड करनी है अपनी ये यमी सी ड्रेसिंग। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और इसको इसके ऊपर पोर कर दीजिए। सब कुछ अच्छे से हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे। थोड़ी सी सब्जियाँ डालकर मैं इसको ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। आई थिंक कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जब हमारी कोई रेसिपी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगती है ना, कलरफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। बस अब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। वाओ, कितना अच्छा कलरफुल सैलेड है। आप इसे अपने लंच में, डिनर में ले सकते हैं। आई रियली होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं अब मतलब रेगुलर पोस्ट करने वाली हूँ यूट्यूब पर रेसिपी। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, आप मेरे पहले से फॉलोअर हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए। अपने फीडबैक कॉमेंट्स मेरे को बता सकते हैं, और अगर आपको कोई नई रेसिपी चाहिए तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सैलड बनकर तैयार है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप जो सब्जियाँ हैं ना, उनको स्टीम करके फ्रिज में रख सकते हैं आराम से एक दो दिन तक, और इस सैलेड को जब मर्जी हो बनाकर खा सकते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। गाइस बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, यमी है। अगर आप इसको ट्राई करते हो तो आप इसके फ़ैन होने वाले हैं, और ये आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। साथ में आप वर्कआउट ज़रूर से कीजिए, ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स डेली, और हेल्दी डाइट लीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और अगर आप चाहें इसको थोड़ा क्रंचीनेस देना चाहते हैं तो रोस्टेड पीनट्स ऊपर से ऐड कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यमी लगने वाला है।
और हाई इन प्रोटीन हो जाएगा और इसमें थोड़े और भी हेल्दी फैट्स ऐड हो जाएंगे। तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा ना, जब मैं इसको सर्व कर रही थी, मैंने एक वाइट चीज़ डाली थी, वो थी फेटा चीज़। ये जो कि हम सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको मिल जाती है तो ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें फ्रेश पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने सोचा था ऐड करने के लिए पर किया नहीं है। बट आप अगर आपके पास है और आप चाहते हैं, पनीर पसंद है, तो आप ऐड कर सकते हैं।